अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में आज बात करूंगा मैं आपसे एमयू के एक और बहुत ही फेमस कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज। बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स आपको स्कोर करना है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। टॉप 3 लैंग्वेज जो है यहाँ पर है आपके फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है। बहुत सारे बच्चे यहाँ जाते हैं। इन लैंग्वेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स आपको स्कोर करना होंगे और कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन सेफ हो जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा आपको पेपर होने के बाद, पेपर देख लूंगा उसके बाद बताऊंगा आपको, उसी के अराउंड कट ऑफ बैठेगी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो आप देखते रहे पूरी, बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये। काफी अच्छी सैलरी आपको यहाँ मिल सकती है बी ऑनर फॉरन लैंग्वेज करने के बाद, जो बी टेक के बराबर सैलरी भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप अच्छे से कर लिया। अच्छे से करने का मतलब है अच्छा से बोलना आना, लिखना और समझना, पढ़ना लिखना और बोलना, ये अच्छे से आपको आ गया तो स्टार्टिंग आपकी आराम से 60-70 हज़ार रुपए से आप कर सकते हैं। सबकी नहीं मिलती, क्योंकि हर बच्चे की स्किल्स एक सी नहीं होती हैं। तो अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको करियर आगे एक मिल सकता है। तो कितने नंबर पे आपका निकल जाएगा, टेस्ट की डेट्स आ चुकी है, 9-5 को इसका टेस्ट है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे अभी कोचिंग देख रहे होंगे जिनको कोचिंग ज्वाइन करनी है 2023 के लिए। जो कोचिंग में जाना चाहते हैं, कोचिंग का मतलब होता है जहां पर बैच में 25-30 बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो वो मेरे आ जाए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जिनको मंडी में जाना है 70-80 बच्चों में बैठने, 60 बच्चों में चाहते बैठना, वो फिर उनकी मर्जी, कहीं भी वो जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा सारी कैटेगरी के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल ओबीसी एससी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देख लें आप ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों जब मैंने बताया आपको टॉप 3 लैंग्वेज में अगर आपको एडमिशन लेना है और आप एक एक्सटर्नल हैं, जनरल हैं, तो आपको स्कोर करना है 56-58। ये स्कोर आपका सेफ रहेगा, आपका इतने मार्क्स पे टेस्ट आराम से निकल जाएगा। अगर आपको चाइनीज और रशियन में भी आपको अगर आपका इंटरेस्ट है, पहली लिस्ट में आप चाहते नाम आ जाए, तो आपको लगभग 54 से 56 का अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ भी लिस्ट 1 में आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। तो बात करते हैं ओबीसी है, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आपका स्कोर टॉप 3 लैंग्वेज जो मैंने बताई आपको 54 के अराउंड आपने स्कोर कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें चाइनीज और रशियन की, तो अगर आपका स्कोर 52 के अराउंड है तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली लिस्ट में एडमिशन लेने में, आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों SC ST के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। आप 51 के जो आपका टॉप 3 लैंग्वेज है 52 से 53 पे आपका निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी पेपर पे डिपेंड करेगा। और आपको चाइनीज और रशियन में भी बात चाहिए तो 50 नंबर पे आपका एडमिशन मैं समझता हूँ आराम से निकल जाना चाहिए। तो ये हुआ एक्सटर्नल। बात करें इंटरनल की, इंटरनल को लगता है उनका एडमिशन तो हो जाएगा आसानी से। बहुत सारे बच्चे वो शायद नहीं देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हर साल इंटरनल बाहर चले जाते हैं, उनके सारे इंटरनल को एडमिशन नहीं मिलता है। और जितने नंबर पर उनके एडमिशन मिल जाता है एएमयू में पढ़ने के बाद, अगर वो उतने नंबर लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ उनको कम मेहनत कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास मौका था, एएमयू में पढ़े हैं तो इनका स्कोर और से ज़्यादा होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप इंटरनल हैं, टॉप 3 लैंग्वेज आपको चाहिए, तो आपका स्कोर अगर 45 के अराउंड बैठता है, 45-46 पर अगर आपका स्कोर आ जाता है तो 45 से 48 तक मान लें अगर आपका स्कोर यहाँ पर आ गया तो आपको आराम से मिल जाएगी वो लैंग्वेज ऐसा मुझे लगता है। और आपको चाइनीज वगैरह भी चाहिए और रशियन, तो आपका स्कोर अगर 40-43 है तो आपका लिस्ट 1 में नाम मेरे ख्याल से आ जाएगा लिस्ट 1 में। ऐसा 30-35 तक बहुत मुश्किल है आपको एडमिशन इसमें मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वेटिंग बहुत क्लियर अप नहीं हो रही है। अगर आप ओबीसी हैं, इंटरनल हैं, तो आप टॉप 3 लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपका स्कोर अगर 43 के अराउंड है तो आपका मेन लिस्ट में समझता हूँ क्वालिफाई आपको कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अगेन ध्यान रखिएगा, ये मेरे ख्याल सेफ रहेगा, लेकिन अच्छा खासा मैं आपको थोड़ा सा बहुत खींच के बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा मेरी बात, 43-44 तक आपको हो जाना चाहिए। और आपको चाइनीज और रशियन तो आपका 42-41 के राउंड, 42 के राउंड आप मेन लिस्ट में क्वालिफाई कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से लिस्ट 1 के अंदर। आप SC ST हैं, इंटरनल हैं, तो आपको 40-40 के राउंड आपका जो है टॉप 3 लैंग्वेज में आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। और आपको चाइनीज चाहिए रशियन, तो आपको अराउंड 39-38 पे आपका लिस्ट 1 में मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा मेरा गैस है। बाकी फिर जो मैंने बताया आपको एग्जैक्ट कट ऑफ पेपर देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जितने मैंने नंबर आपको बताए हैं ना, इन शॉर्ट उतने नंबर लाने की कोशिश आप करिए। अगर आपने उतना स्कोर कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2023 में बीए
कर रहे होंगे एमयू से किसी भी अच्छी मतलब फॉरेन लैंग्वेज, पांचों लैंग्वेज अच्छी है लेकिन ये आपका प्रेफरेंस है जो टॉप थ्री में भी मैंने बताया आपको उतने में हो जाएगा और जो मैंने मार्क्स बताया इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन एमयू में जरूर हो जाएगा मेरे ख्याल से। कोचिंग इनके ज्वाइन करनी नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, मैंने बताया आपको मेरे यहाँ आ सकते हैं, कई सारे बच्चे मेरे यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं, जेएनयू भी कर चुके हैं, इफ्लू भी कर चुके हैं और एमयू भी कर चुके हैं, तो मेरे यहाँ आ जाइएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।